दिल्ली के एक समाचार चैनल के एंकर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। नागपुर जिले के पालक मंत्री व राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार व पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के मार्गदर्शन में वरिष्ठ थानेदार महेश बंसोड़ ने न्यूज एंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले नंदनवन और जरीपटका थाने में भी न्यूज एंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने डिबेट के दौरान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही है, सामाजिक तनाव फैलाने का प्रयास किया है। अर्णव गोस्वामी संबंधित समाचार चैनल के संचालक भी है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे ने नंदनवन थाने में शिकायत दी है। लोंढे के अनुसार टीवी पर पालघर मामले पर चर्चा चल रही थी, उस समय गोस्वामी ने कहा कि इटली की सोनिया रोम में रिपोर्ट करेगी। दो संप्रदाय का जिक्र करते हुए भी सामाजिक तनाव फैलाने वाली बातें कही गई है। प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राउत व महासचिव अजय सिंह ने जरीपटका थाने में शिकायत दी है। सदर थाने में भी कांग्रेस के ही अखिल भारतीय असंगठित वर्कर्स कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक त्रिशरण सहारे, राष्ट्रीय बहुजन मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जावेद शेख ने एंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कल महाराष्ट्र या नागपुर जिले के पालकमंत्री माननीय श्री राउत सर यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन एक तक्रार दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये 21 तारखेला रिपब्लिक भारत हा जो हिंदी न्यूज चॅनल आहे त्याच्यावर अर्णव रंजन गोस्वामी हे जे त्या टी व्ही चॅनलचे व्यवस्थापक आहेत, संस्थापक संपादक आहेत, त्यांनी दिनांक 16 एप्रिल 2020 रोजी पालघर जिल्ह्यामध्ये जी साधूंची हत्या झालेली होती त्या प्रकरणासंबंधाने चर्चासत्र कार्यक्रमादरम्यान आयोजित केलेलं होतं आणि त्या चर्चासत्रादरम्यान त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनियाजी गांधी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केलेलं होतं। त्याचबरोबर हिंदू आणि मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या धर्मियांच्या या धर्मातील लोकांच्या भावना दुखावण्या दुखवल्या जाव्यात, त्यांच्या भावना भडकवल्या जाव्यात अशा पद्धतीचे विधान करून त्या चर्चासत्रामध्ये समाजामध्ये तेढ निर्माण व्हावी या दृष्टीनं वक्तव्य केलेलं होतं आणि त्या संदर्भात माननीय मंत्री महोदयांनी पोलीस स्टेशनला जी तक्रार दिली त्यानुसार पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरचा गुन्हा हा भारतीय दंडविधान कलम 153, 153A, 153B, 298, 500, 505, 2, 506, 120B, 117 या कलमान्वये जे रिपब्लिक भारत टी व्ही चॅनलचे संस्थापक संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे, त्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपूर।